हे गाइस, सो आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब के, जो आप सब कमेंट करते हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन देखा कि वहाँ पे एक किसी हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक रखूँ या प्राइवेट रखूँ, पब्लिक और प्राइवेट अकाउंट के क्या क्या फायदे और नुकसान। बेसिकली वो जानना चाहते थे कि इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अगर वो पब्लिक अकाउंट रखते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, और प्राइवेट अकाउंट रखते हैं तो क्या क्या फायदे और नुकसान है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो वो ये जानना चाहते थे। तो मैंने सोचा यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि जब इंसान है ना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट रखता है तो सोचता पब्लिक के क्या फायदे, और जो लोग पब्लिक रखते हैं तो सोचते हैं कि प्राइवेट के क्या फायदे हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, ताकि ये जो क्वेश्चन है, जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन है, जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, उन सभी की ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए कि उन्हें पब्लिक रखना चाहिए या प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीश्वरी यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंस्टाग्राम के प्राइवेट अकाउंट के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंस्टाग्राम के प्राइवेट अकाउंट के क्या क्या प्रोज हैं, यानी क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट अकाउंट की। तो देखिए, प्राइवेट अकाउंट के अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो सबसे पहला प्रोज ये आ जाता है कि आपके फॉलोवर्स कोई भी चेक नहीं कर सकता, यानी कि जैसे आपने किस किस को फॉलोइंग कर रखा है और कौन कौन आपके फॉलोवर्स हैं, ये कोई अदर पर्सन जैसे कोई जिसने आपको फॉलो नहीं कर रखा है वो चेक नहीं कर सकता, सिर्फ आपने जिन जिन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी हुई है वही चेक कर सकता है। और साथ ही साथ एक और यहां पे फायदा ये आ जाता है प्राइवेट अकाउंट का कि आपके फोटोज बिल्कुल सेफ रहते हैं, सिर्फ आपके फॉलोवर्स जिनकी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी हुई है वही लोग आपके यहां पे फोटोज को देख सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं देख सकता। जैसे अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है और मैं आपके फोटोज देखना चाहता हूं तो मैं नहीं देख सकता, तो ये कि आपको बहुत अच्छा यहां पे फीचर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना चाहते हैं, अपने फोटोज को हाइड रखना चाहते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड लोगों में रहना चाहते हैं कि लिमिटेड आपके जो फॉलोवर्स हैं जिनकी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं वही लोग अगर आपकी फोटोज वगैरह देख पाए, आपके फॉलोइंग या फॉलोवर्स देख पाए, तो यहां पे प्राइवेट अकाउंट का ये फायदा देखने को हमें मिल जाता है। मैं एक और चीज यहां पे इसका फायदा बताता हूं। तो उसका ये फायदा है क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो बहुत सारे पेजेस हैं वो प्राइवेट रहते हैं, अब आप सोचते हैं यार ये प्राइवेट क्यों होते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए, जितने भी एडल्ट पेजेस हैं मोस्टली एडल्ट पेजेस ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर वो पब्लिक अकाउंट में ऐसा कंटेंट शेयर करेंगे जो कि एडल्ट कंटेंट है तो वहां पे उनके पेज पर दिक्कत आ सकती है, रिपोर्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर कंटेंट कॉपीराइट होता है तो वहां पे कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है। लेकिन जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट होता है तो ऐसी कोई आपको ज्यादातर दिक्कतें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट होता है तो प्राइवेट अकाउंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती जब आप कॉपीराइट कंटेंट शेयर करते हैं या फिर थोड़ा एडल्ट कंटेंट शेयर करते हैं, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहां पे मैं एक चीज और आपको बताता हूं इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट के प्रोज के बारे में, यानी फायदे के बारे में। देखिए, वो फायदा ये है कि यहां पे जैसे अगर आप लोग यूट्यूबर हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं यार मैं ना, मतलब जैसे आज की वीडियो में मैं आपको बोलूं कि मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लो, वैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे हूं, मेरे को जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट कर लूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आप लोग मोस्टली ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करेंगे। इसका रीजन ये क्योंकि आप लोग मेरे फोटोज वगैरह देखना चाहेंगे, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आप लोग मेरे फोटोज देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ज्यादा फॉलोअर्स यहां पे मिलने के चांसेस है। तो यहां पे एक ये फायदा आ जाता है कि अगर आप जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं कि मुझे इंस्टा पे फॉलो करो तो उस टाइम आप प्राइवेट रखते हैं तो ज्यादा फॉलोवर्स आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोग आपके फोटोज और वगैरह वगैरह वीडियो सारी चीजें देखना चाहते हैं तो आपको फॉलो करेंगे, फिर आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका यहां पे पब्लिक अकाउंट रहता है लोग आपकी फोटोज देखेंगे, मोस्टली लोग फॉलो नहीं करेंगे और बैक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोज है, कहीं ना कहीं ये फायदा है प्राइवेट अकाउंट का। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इंस्टाग्राम के प्राइवेट अकाउंट के कॉन्स के बारे में बताता हूं, यानी नुकसान के बारे में बताता हूं, डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूं। देखिए, प्राइवेट अकाउंट का सबसे पहला नुकसान है, कौन से है और डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलती है। अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, लेकिन अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो आपको किसी भी प्रकार से ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलेगी। जो आपके लिमिटेड फॉलोअर्स होते हैं जिनकी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, पोस्ट उन्हीं तक जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है। बट जो लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं उनके लिए फायदा है, बट लिमिटेड अगर आप लोग अपनी रीच रखना चाहते हैं जिनकी आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी उन तक अगर आप अपने फोटोस वीडियोस को रखना चाहते हैं तो प्राइवेट अकाउंट बेटर है। बट अगर आप लोग चाहते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करना इंस्टाग्राम पे तो आप लोग प्राइवेट अकाउंट भूलकर भी ना रखें, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है। साथ ही साथ अगर आप लोग प्राइवेट अकाउंट में यहां पे हैशटैग वगैरह यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अकाउंट में किसी भी प्रकार से हैशटैग का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर आप लोग प्राइवेट अकाउंट में हैशटैग वगैरह अपनी पोस्ट में यूज करते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाए इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट अकाउंट पे हैशटैग बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, और वर्क भी करते हैं तो आपकी पोस्ट पब्लिकली नहीं जाएगी उस हैशटैग
पे रैंक नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्स यही है, डिसएडवांटेज यही है कि आप ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड यूजर बेस में रह जाएंगे जिनकी आप लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अकाउंट का एक यही डिसएडवांटेज या कॉन्स है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप लोग इंस्टाग्राम को पब्लिक अकाउंट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक रीच पूरी तरीके से मिलती है, यानी अगर आपने कोई भी फोटो या वीडियो डाला तो पब्लिकली सबके साथ शेयर होने के चांसेस हैं, वो वायरल होने के चांसेस होते हैं फोटोज, तो कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक रीच बहुत आसानी से मिलती है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है जो कि आपको प्राइवेट अकाउंट पर देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक रखते हैं तो आपको ये चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा रीच मिल सकती है, अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें शेयर का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों का पब्लिक अकाउंट है तो कोई भी आपकी वीडियो को शेयर कर सकता है अपनी स्टोरी में, अपनी किसी को भी शेयर कर सकता है, किसी पर्सन को भेज सकता है, तो वहां पर वीडियो वायरल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऑर्गेनिकली ग्रोथ के हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है तो यहाँ पे आपके जो भी हैशटैग हैं वो पूरी तरीके से वर्क करेंगे। अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कोई भी हैशटैग यूज करते हैं तो चांसेस ये हैं कि उस हैशटैग में आपकी पोस्ट रैंक हो सकती है अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है। तो पब्लिक अकाउंट का ये बहुत ही बड़ा फायदा कि आपके हैशटैग वर्क करेंगे, आपको ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिलेगी। यहां पे साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट का एक और फायदा बताता हूं। ये फायदा बहुत अच्छा फायदा है कि आप लोगों को इनसाइट्स देखने को मिल जाती है। इनसाइट्स मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता, इनसाइट्स मतलब कि आप लोग अपने फॉलोअर्स कितने आए, आपके फॉलोअर्स आपको कितनी रीच मिली, आपको सारा पूरा डेटा मिल जाता है। अगर आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां पे होता है कि जैसे आपने एक्टर वगैरह या चूज कर लिया, आपने कोई सा बिजनेस अकाउंट चूज कर लिया है तो आपका बेसिकली वहां पे इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक अकाउंट तो हो जाता है लेकिन आपको सारे इनसाइट्स देखने को मिल जाते हैं कि आपको कितनी रीच मिली है, ऑर्गेनिकली रीच कहां से आई है, एक्सप्लोर सेक्शन से आई है, हैशटैग से कितनी रीच मिली है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके उस हिसाब से आप और पोस्ट कर सकते हैं, आपको किस पोस्ट में ज्यादा रीच आ रही है ये भी आप लोगों को पता लग जाता है। फिर आपको पता लग जाता है नहीं यार मेरे को इस टाइप की पोस्ट पे ज्यादा रीच आ रही है तो मैं इस टाइप की ही और फोटोज और वीडियोस अपलोड करूंगा तभी मेरा इंस्टाग्राम ग्रो होगा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है पब्लिक अकाउंट का। तो यहां पे मैं एक और आपको फायदा बताता हूं इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट का कि यहां पे आपको फॉलोअर्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम प्राइवेट अकाउंट। अब मैं आपको बताता हूं वो कैसे। अगर आप लोग रेगुलर कॉन्टेंट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे रेगुलर फोटोज वगैरह डालते हैं, रेगुलर वीडियोस वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये फायदा होगा आपके पास कि आपकी कोई ना कोई जो फोटोज है वो वीडियो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिकली रीच मिलेगी, उसको ज्यादातर एक्सप्लोर सेक्शन में जा सकती है, किसी के होम पेज में जा सकती है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह अपलोड करते हैं तो वो ज्यादातर लोगों तक जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका अकाउंट ज्यादा लोगों तक जा रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फायदा है इंस्टाग्राम पे पब्लिक अकाउंट रखने का। तो चलिए अब हम लोग इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट के कॉन्स के बारे में बात करते हैं, यानी क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान। इसका सिर्फ एक ही नुकसान है कि आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट की किसी भी तरीके से प्राइवेसी नहीं होती। मैं इंटरनल प्राइवेसी की बात नहीं कर रहा कि आपका अकाउंट हैक वगैरह हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। प्राइवेसी मतलब ये कि आपका हर कोई फॉलोइंग देख सकता है, कोई भी आके आपकी फॉलोइंग चेक कर सकता है, आपके कौन कौन फॉलोवर्स है वो भी देख सकता है, आपके सारे फोटोज देख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती है जो लोग ना लिमिटेड पर्सन के बीच में रहना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा लोगों तक नहीं चाहते कि उनकी फोटोज वगैरह जाए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि पब्लिक अकाउंट में अगर वो पब्लिक अकाउंट रखते हैं तो उनकी फॉलोइंग और फॉलोअर्स कोई भी चेक कर सकता है, फोटोज कोई भी देख सकता है। तो यही सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, मैं कहीं ना कहीं इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा कि ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कंक्लूजन बताता हूं इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट और प्राइवेट अकाउंट का। देखिए कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट अकाउंट उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग ना लिमिटेड, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह के अपने सिर्फ फ्रेंड्स रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि उनकी कोई प्रोफाइल और दूसरा देख पाए, कोई बाहर का पर्सन देख पाए, अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट अकाउंट बढ़िया है। लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पर बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, रेगुलर कॉन्टेंट अपलोड करते हैं, रेगुलर फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं, तो उन लोगों के लिए पब्लिक अकाउंट बहुत अच्छा है। और प्राइवेट अकाउंट को एक और चीज बताता हूं, अगर आप लोग एडल्ट कंटेंट शेयर करते हैं तो प्राइवेट अकाउंट आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो यही कंक्लूजन था कि आप लोगों के ये प्रोज एंड कॉन्स है। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी चीज बढ़िया है, मेरे को क्या करना है इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।